नमस्कार, सीएमए न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के महोबा की। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में लोकसभा चुनाव और होली त्योहार के नजदीक आते ही अवैध शराब कारोबारियों के अड्डों पर आबकारी टीम सहित पुलिस प्रशासन ने छापा मारना शुरू कर दिया है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद कर शराब की भट्टियों को जेसीबी की मदद से नष्ट कर दिया। पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों में दो महिलाओं को हिरासत में लिया है। डीजी साहब के निर्देशन पर 15 दिवसीय एक अभियान चलाया जा रहा है अवैध शराब निष्कर्षण और परिवहन के खिलाफ। इस निर्देश पर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार कोतवाली नगर इंस्पेक्टर, मैं स्वयं और आबकारी विभाग की संयुक्त एक छापेमारी अभियान चला करके काली पहाड़ी, बिछुआ पहाड़ी और आलमपुरा, इन तीनों जगहों पर हजारों लीटर लहन नष्ट की गई है। उनके तमाम सामान बरामद किए गए हैं और हजारों लीटर अवैध दारू भी बरामद की गई है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जाएगी। क्या सर, जेसीबी से तोड़फोड़ भी की गई है क्या? हाँ, जहाँ भी वो बना रहे थे, जो काफ़ी अपना पक्का निर्माण करके बना रहे थे, भट्टियाँ लगाए हुए थे, उन भट्टियों को जो नीचे ड्रम लगाए हुए थे जमीन में अवैध दारू रखने के लिए, उन सभी को जेसीबी लगा करके तोड़वा करके निकलो। भले ही शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए शासन से लेकर प्रशासन तमाम दावे क्यों ना करता हो, लेकिन उनके दावों की पोल शिक्षा विभाग के शिक्षक शिक्षिकाएं ही खोलने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही मामला कासगंज बीएसए अंजलि अग्रवाल ने विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान पाया है। वे शिक्षा विभाग का पलीता लगाने वाले एक महिला सहित 9 शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई करने जा रही है, जो 3 वर्ष से ज्यादा समय से विभाग को चूना लगाकर वेतन करने के लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी स्कूलों में नहीं पहुंच पा रहा। आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है, उसमें कितने टीचर अनुपस्थित में लेके आकर पाई गई? मेरे द्वारा कल ही एक विद्यालय का निरीक्षण किया गया है, जो सोरो में है, उच्च प्राथमिक विद्यालय गडरपुरा। वहाँ पर एक शिक्षिका है, रागनी यादव। वहाँ कोई अभिलेख नहीं मिले हैं कि वो कब से अनुपस्थित चल रही हैं। वहाँ बेसिकली 2 टीचर कार्यरत हैं, एक तो सरिता शर्मा और एक रागनी यादव। सरिता शर्मा तो जाती हैं, ये बच्चों ने बताया है, लेकिन कल उनके बच्चे की तबीयत खराब थी, इस कारण से वो अवकाश में थी। मुझे कोई भी विद्यालय में रजिस्टर नहीं मिला जिससे ये ज्ञात हो कि रागनी यादव कब से अनुपस्थित चल रही हैं। पर वहाँ पर एक रसोईया पढ़ाते हुए पाई गई, जिसको प्रति माह जो है 2000 रुपये दिया जा रहा है रागनी यादव के द्वारा, और उन्होंने ये बताया कि वो लास्ट टाइम जो आई थी नवंबर में आई थी, उसके बाद अभी तक नहीं आई। लेकिन कल शाम जो है वो एबीएसए सोरो का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने ये अवगत कराया है कि 2015 से रागनी यादव नहीं आ रही है। तो जब एबीएसए की इतनी लापरवाही सामने आ रही है, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं पत्र दिया? इस संदर्भ में उनका स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, क्योंकि मेरे द्वारा पहले ही पत्र निर्गत किए जा चुके हैं कि कई महीनों से जो अध्यापक या अध्यापिका अनुपस्थित चल रही है, उनकी सूचना तत्काल बीएसए ऑफिस में उपलब्ध कराई जाए। इस क्रम में एक पत्र जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्गत किया जा चुका है, और उस पत्र में साफ लिखा था कि उसमें टाइम दिया गया था, उस टाइम को व्यतीत हुए एक माह बीत चुका है, और उसमें ये साफ लिखा था कि यदि इसके बाद कोई टीचर संज्ञान में आता है और वो अनुपस्थित मिला, तो इसमें एबीएसए की जवाबदेही तय की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एबीएसए ही इसमें डिफॉल्टर साबित हो रहे हैं। देखिए, अब उनका स्पष्टीकरण कॉल किया जाएगा, वो अपना क्या उत्तर लिखकर देते हैं, उसके बाद निश्चित किया जाएगा कि उनकी कितनी इसमें उत्तरदायित्व है, और उसका निर्धारण करते हुए फिर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब तक जिले में कितने टीचर हैं जो नहीं पहुंच रहे? अभी मेरे संज्ञान में जो है ये 3 टीचर और आए हैं, रागनी यादव, और प्राथमिक विद्यालय मुसावली में है गौरी सिंह, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय तारापुर नसीर में है राजेंद्र। इसके अलावा 6 अध्यापक और हैं हमारे पूरे जनपद में, जिनको ऑलरेडी जो है वो सेवा समाप्ति के नोटिस निर्गत हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मंदिर में कुछ लोगों ने अपने स्वामित्व जताते हुए ताला जड़ दिया, और ताला जड़ने की सूचना पाकर मोहल्ले वासियों ने हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि उक्त मंदिर का उपयोग लोग स्नान, पूजा पाठ सहित कई अन्य कार्यों के लिए काफी सालों से करते आ रहे हैं, और आज एक पक्ष ने उस मंदिर और उस जमीन को अपना बताते हुए ताला जड़ दिया, जिसकी सूचना पाकर लोग आक्रोशित हो उठे। हंगामे की सूचना पर स्थानीय पुलिस और नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और कागजात देखने के बाद मंदिर का ताला खुलवा। ये आज हम लोगों का, हमारे घर एक मृत्यु हुई है, उसी का आज 10वां घाट है, और औरतों को नहाने नहीं दे रहे हैं लोग।
कौन नहीं ना बोल रहे हैं कि नहीं खोलेंगे ना आप चले गए। हमारी सास का मृत्यु हो गया है, दसवां घाट है उनका जी। हम लोग नहाने आए हैं, हम लोग 9 बजे से आए हैं, तो हम लोग ताला न खुलने की वजह से नहीं नहा पा रहे हैं। मगर कौन ताला? पंडित जी लोग ताला बंद किए हैं। क्यों बंद किए हैं? नहाने नहीं देते हैं, लोग कहते हैं कि हमारा है, हम नहाने नहीं देंगे। आपने थाना में हम लोग गए थे तो आए थे, मगर कोई सुनवाई नहीं हुआ, हम लोग नहीं नहा पा रहे हैं, ताला नहीं। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के खंडजा कुतकपुर गांव में 25 वर्षीय युवक की ट्रेन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। ट्रैक पर काम करने वाले कर्मचारी ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी कि एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई है। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई और मौके पर सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हो गए। सूचना लक्सर पुलिस को दी गई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। ट्रेन के टकराने से हुई है और इस समय पंचायत भर के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे जैसे भी कोई एप्लीकेशन वगैरह मिलती है तो उसे विधिक कार्रवाई की। होली का त्योहार हो और उसमें गुजिया की मिठास ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि प्राचीन समय से होली के त्योहार पर तरह तरह के पकवान जरूर बनाए जाते हैं, लेकिन गुजिया इस त्योहार में 4 चांद लगा देती है, क्योंकि होली पर एक दूसरे को गुजिया खिलाने का बड़ा महत्व है। होली को त्योहार शुरू होते ही मिलावटखोरी का दौर शुरू हो जाता है और मोटा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से कुछ लोग बाजार में मिलावटी मावा सप्लाई करते हैं, जो कि खुलेआम बाजारों में बिकता हुआ नजर आता है, जिसे लोग खरीद कर ले जाते हैं और होली के त्योहार पर गुजिया बनाते हैं। और मिलावटी मावा या अन्य खाद्य पदार्थ एवं तेल के कारण लोग अक्सर त्योहार पर बीमार पड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ मिलावटी खाद्य पदार्थ के कारण लोगों को जानलेवा बीमारियां तक भी हो जाती हैं। अब होली का त्योहार नजदीक है और बाजार में गुजिया बनाने के लिए दुकानों पर बड़ी मात्रा में मावा रखा हुआ है। सर, होली का त्योहार है और होली पर गुजिया मावे की इसकी ज्यादा खपत होती है, फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से किस प्रकार के कदम उठाए गए और कितने सैंपल अब तक भरे गए? होली त्योहार के दृष्टिगत 1 मार्च से लेकर 19 मार्च तक अपर मुख्य सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर अभिसूचना आधारित जनपद में मावे, पनीर, खाद्य तेल इत्यादि पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जनपद में विभिन्न स्थानों से मावे के 12 नमूने, पनीर के 10 नमूने, रंगीन कचरी पापड़ के 6 नमूने दिए लेकर जांच हेतु विशेष वाहक के माध्यम से लखनऊ भेजा गया है। तो सर, अगर जिस प्रकार से सैंपल भरे गए हैं और जांच को भेजा गया है, उसके बाद की क्या कार्रवाई? जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। होली का त्योहार नजदीक है और गुजिया और मावे का इसमें ज्यादा इस्तेमाल होता है, मिठाई का इस्तेमाल होता है, किस प्रकार का मावा और गुजिया इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे कि स्वास्थ्य को हानिकारक ना हो? देखिए, गुजिया और मावा जो उसमें, बल्कि गुजिया में ही मावा डलता है जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो अच्छी जगह से अगर हम लेते हैं तो वो अच्छा मिल जाता है। अदरवाइज कई जगह उसमें मिलावट वाला, मैदे वैदे वाला मिला हुआ अगर खोया उसमें डलता है तो वो अच्छा नहीं होता। दूसरा, अगर वो ताज़ा बना हुआ है 1-2 दिन के अंदर का तो अच्छा है, अगर वो बहुत समय पहले का बना हुआ है तो नुकसान कर सकता है। वो तो पूरा ही पेट को खराब करता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकती है, आपका वोमिटिंग्स, डायरिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, वो तो बहुत ही खराब है। अगर वो सिंथेटिक है या उसमें मिलावट है तो बहुत गलत है। बचाव तो यही है कि इस तरह की मावे को हम अविश्वसनीय जगह से सस्ते के चक्कर में ना खरीदें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा बचाव है, और ज़्यादा नहीं खाएं, अच्छा खाएं और स्वस्थ भोजन खाएं,
तो ज्यादा अच्छा, जिसपे शक हो उस जगह से हम इस तरह का देखें। जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मूंढा पांडे क्षेत्र के कई गांव में सरकार द्वारा स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए थे, लेकिन अभी तक उनके अंदर किसी भी डॉक्टर की तैनाती नहीं की गई, जिसके चलते लोगों को उपचार कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, ये स्वास्थ्य केंद्र जो बने हुए हैं, इसमें कोई डॉक्टर वगैरह मरीज वगैरह आज तक आए देखे हैं आपने? नहीं, इसमें कुछ नहीं है। ये जो आज तक सरकार ने जो भी अस्पताल बनाए मूंढा पांडे क्षेत्र में, कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं है जो चल गया हो। ये ज़्यादातर बंद रहते हैं, और फिर इसमें कोई खास ऐसा मामला है नहीं जो लागत लगाई हो, तमाम गिर भी गए। जब रह नहीं रहे तो गिर भी रहे। साफ सफाई कुछ नहीं, देखभाल कुछ नहीं हो रही इसमें। हम भी कई दफ़े हो गए, और जाने के बाद में हमने देखा, मगर हम लौट लौट के वापसी आ गए। सरकार ने जो भी पैसा लगाया इसमें बेतुका लगाया, कोई कामयाब पैसा नहीं लगा। कोई डॉक्टर नहीं कोई डॉक्टर नहीं बैठता। कई दफ़े हम गए, बंदरों काटा हमारे बच्चों ने, हम खुद हो पहुँचे, मगर कोई भी हमें डॉक्टर समय पर मिल नहीं पाया बिल्कुल भी। कई कई चक्कर हमने लगाए। अच्छा, क्या हो रहा है, कहाँ यूज करा जा रहे हैं अब? ये पता नहीं भाई कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मगर कोई ऐसा मामला है नहीं। सरकार ने जो भी पैसा लगाया है, बिल्कुल जितने भी अस्पताल हैं सारे गलत रहे, और सरकार ने जो भी पैसा लगाया गलत लगाया। होली के त्योहार के मद्देनजर खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मऊ में भारी मात्रा में नकली मावा बरामद किया और दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सर, मावा पकड़ा गया हुआ जो है होली के मद्देनजर, चेकिंग चल रही है, क्या मिला है आपको और क्या कार्रवाई हुई? अभी ये होली में चूंकि मावा की आवक बहुत ज़्यादा हो जाती है, पब्लिक की मांग ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इसके हम लोगों ने इस पर कड़ी वो चेकिंग शुरू की है। आज अभी ट्रेन से पता लगा कि मावा बाहर से आ रहा है यहाँ सप्लाई के लिए, इसको हम लोगों ने रिक्शे पर लदा हुआ अभी ये पकड़ा है, और जो लगभग कुल मिला के 4.5 कुंटल के आसपास प्रतीत हो रहा है। अनुमानित कीमत इसकी लगभग 1,00,000 के आसपास आँकी जा रही है, और इसमें आगे हम इसको नमूना लेके जांच के लिए भेज रहे हैं जो, और अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार कर रहे हैं। देखा जाए तो होली के मद्देनजर अधिक मुनाफा पाने के लिए लोग जो है, हाँ, इसकी संभावना रहती है। इसी के दृष्टिगत जो है जिलाधिकारी महोदय और शासन के निर्देश पे पिछले 15 दिनों से लगातार हम लोग चेकिंग अभियान चलाए हुए हैं विभिन्न खाद्य पदार्थों को लेके, और ख़ास तौर से इस पर खोआ पे फोकस हम लोगों को, और पूरी हम लोगों का प्रयास है कि पब्लिक को शुद्ध और सही सामान खाने के लिए होली के अवसर पर मिल जाए। महोबा मुख्यालय के आरहा चौक से डीएम सहदेव ने हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूक बाइक रैली निकाली। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरी और इसके बाद तहसील पहुंचने पर इसका समापन हो गया। डीएम ने पहले मतदान के बाद में जलपान का नारा देते हुए 29 अप्रैल को आयोजित लोकतंत्र के महायज्ञ में सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए आह्वान किया। उत्तर प्रदेश के हसनपुर में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की ओर से पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा चुनाव में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर जमीनी स्तर पर काम करने का आह्वान किया गया। और एससी का एक सम्मेलन जिसके जिला अध्यक्ष रोहतास धोबी जी हैं,
रजकपुर ज्ञान भारती इंटर कॉलेज में चल रहा है। इसी तरह से पार्टी की तरफ से 5 सम्मेलनों को करने के लिए कहा है, उसी फोरम पर हर एक मोर्चे का जिला अध्यक्ष, एक महिला मोर्चे का भी है 5वां सम्मेलन हमारा, तो वो सारे के सारे इनकी तारीख निश्चित करके, आज 2 सम्मेलन है, कल युवा मोर्चे का है, परसों महिला मोर्चे का है, फिर उसके बाद एक किसान मोर्चे का है, तो ये सारे ही सम्मेलन पार्टी की तरफ से हो रहे हैं और विधिवत तौर पे अनुमति लेके हो रहे हैं। कोई ऐसा भी नहीं है कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करती हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करती, क्योंकि आज की तारीख में माने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, जो पहली सरकार रही है जिसने लगभग 54-55 साल लगातार राज करा है और करने के बाद देश को एक उस कगार पर धकेल दिया कि जो देश कंगाल होने की स्थिति में आ गया। आज जो विपक्ष है वो सारा इकट्ठा हो रहा, अरे भाई जिस प्रधानमंत्री के ऊपर आप दाग लगाने की बात कर रहे हो या जिसको बार बार उल्टा सीधा बोलते हो, शर्म आनी चाहिए, मर्यादा से बाहर बात करते हैं और वो भूल जाते हैं कि हमारे माननीय अटल बिहारी जी जो स्वर्गवास हो गया, उन्होंने कभी भी, वो पहले प्रधानमंत्री भी रहे और विपक्ष में भी लंबे समय बैठे, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी अमर्यादा का उपयोग नहीं किया। लेकिन आज राहुल जी हैं जो बात बात के ऊपर, राफेल के ऊपर बात करते हैं और अमर्यादा का जो है वो प्रयोग करते हैं, ये गलत बात है, क्योंकि भारतीय जनता प्रधानमंत्री जी ने आज एक, मैं पड़ोसी देश की तो बात नहीं कह सकता, बाकी हर देश से संबंध सुधारे हैं। हम विदेश के अंदर पहले जाते थे तो यहाँ तक कपड़े उतार कर हमारी तलाशी तक होती थी, लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी है, वही हिंदुस्तान है, वही मेरा भारत है कि जो देश का प्रधानमंत्री हमारे विदेश के अंदर जाता है उसकी इज्जत होती है, उस देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी होता है सम्मान करता है, वो तो खड़ा होकर एयरपोर्ट के ऊपर इंतजार करता है। तो मैं आगामी 2019 में जो अब हमारे यहाँ चुनाव 18 अप्रैल का घोषित हुआ है, मैं तो यही करना चाहूँगा कि जो क्षेत्र देश की विकास, देश का विकास करता हो, देश के हित की बात करता हो, उसी तरीके से द्वारा पुणे ही द्वारा माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और मैं अपने समाज से, काल पिछड़े समाज से अपील भी करना चाहूँगा कि द्वारा पुणे नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं और पूरे देश के हाथ मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। दो पक्षों में हुए झगड़े के बाद जमकर हुआ हंगामा, दो कार दो मोटरसाइकिल फूंकी। मामला फरीदाबाद का है जहां दो पक्षों के बीच झगड़े के बाद जमकर उपद्रव हुआ, जिसमें एक पक्ष के लगभग 150 लोगों ने इलाके में घुसकर दो गाड़ियों को फूंक दिया, वहीं दो मोटरसाइकिलों को भी अपना शिकार बनाया। इसके अलावा कई ऑफिसों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या इन्फॉर्मेशन थी और क्या कार्यवाही की है? और सर, इस झगड़े की घटना की सूचना मिली है, कुछ बड़खल के लोग आए थे, उन्होंने किसी बात पे दोनों पक्षों को आसूनी होगी, दो कार चला दी हैं और 3 बाइक चलाई हैं और मौके से वो भागे हैं, पता एक ऑफिस भी, ऑफिस में तोड़फोड़ भी की है, उसके बाद अब मौके पर हैं, शांति के कंट्रोल किया है, इनको लेके जा रहे हैं, जैसी कंप्लेंट मिले कार्रवाई करेंगे। ये कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं जिन्हें जलाया गया है? अभी इनका हमें कौन सा है नहीं मिला, खड़ी हुए मौके पर। तो क्या कार्यवाही की जाएगी? जैसी कंप्लेंट मिलेगी वैसे एफ आई आर दर्ज करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। फिलहाल में किसी आरोपी की क्या अभी लोग बता रहे हैं, अलग अलग प्रकार की बातें सामने आ रही हैं, अभी लोग में पीड़ित से ज्यादा बात भी नहीं कर पाए हैं, यहाँ शांति होने के बाद उनसे बात करेंगे, जैसी कंप्लेंट आएगी वैसी एफ आई आर दर्ज करेंगे। जानकारी मारी थी कोई शराब माफिया भी इसमें है? अभी हमारे पास कोई इस प्रकार की बात नहीं है। कितने आरोपी हैं फिलहाल जो के नाम है ये बात पता लगी? अभी सब लोग अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, अलग अलग बातें बता रहे हैं, कोई 10 बता रहा है, कोई 20 बता रहा है, कोई 50 बता रहा है। कंप्लेंट आने पर जो सिचुएशन होगी उस प्रकार से देखें कितने और कार्रवाई करेंगे। अच्छा, नाम क्या है आपका? जगदीश है। जगदीश, बिजली वाला। जगदीश, क्या हुआ? ये जी, हम यहाँ पे दुकान पे अपनी खड़े थे और 100-150 बंदे आए, धड़ 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 तोड़ के ने, हमने भाग के जान बचाई अपनी, शटर गिरा के ने नीचे जी, स्टूल स्टाल जो भी पड़ा हुआ था वो तोड़ तोड़ के ने, अंदर पड़ा हुआ टूटा हुआ भी वो तोड़ के ने, दैड़ दैड़ जो इतने मोटे मोटे पत्थर मारे यहाँ पे और ऊपर देख, ऊपर बोर्ड तक भी पत्थर फेंके इन्होंने, हम वहाँ खड़े हुए तो वहाँ पे भी पत्थर मारे। वो कहते हैं जी बहन के लोड़े को देख लेंगे, जो रिकॉर्डिंग कर रहा है उनको।
बताओ जी ऐसे हाँ कौन थे ये लोग? ये नहीं पता जी, हम तो यहीं दुकान पर अपने काम कर रहे थे, वहाँ से दर्द 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 करते आए, सबके सब ने शटर गिरे। वो दुकानदार परले वाला बैठा था, उसका कांटा था, उसे कांटे पे पत्थर मारा और वो तोड़ दिया, रोटी खा रहा था, दाल दूल सब बिखरी पड़ी है उसकी। अच्छा, पुलिस वाले कह रहे हैं कि दो गुटों का झगड़ा था कुछ ऐसा, दो वो इस बात का हमें नहीं पता जी, हम यहाँ पे थे, अपनी दुकान पे थे, हम झगड़ा वहाँ हुआ है तो हम अपनी दुकान पे थे। बंदे इकट्ठे हो गए सारे? हाँ सारे इकट्ठे हो गए, 100-150 आदमी, इतने इतने बच्चे थे जी। यार रुक जा, तब जा। हाँ 100-150 आदमी थे जी सारे का। हाँ जी 100-150 आदमी थे जी। ये गाड़ी किसकी है जिसको तोड़ा? गाड़ी तो अन्नी की है जी, अन्नी की है जी। एक आदमी से बात करके फिर आपके पास आऊंगा। अन्नी की गाड़ी है जी, वो आए धैर्य धनी सिंह बुलाए, ये खड़ी अन्नी की गाड़ी, अन्नी की गाड़ी, आधा घंटा लगे रहे हैं यहाँ पे गाड़ी तोड़ने में। हैं पहले तोड़ी है फिर आग लगाई है, हम तो यहाँ पे जी ऊपर खड़े थे, ऊपर भी पत्थर मारे, फिर हम तो अंदर चले गए जी। 200 लोग एक साथ? 100-150 आदमी आए जी, 200 लोग तो आपको बोले अभी नहीं, आप 100-150 बोल रहे, आप 200 बोल रहे हो, 100-150 आदमी थे जी। हैं तो हमने भाग के जान बचाई, अपना शटर नीचे कराया जी, अब वो चले गए, फिर हमने खोलिया शटर अपना, हम बताओ क्या करें, किसका किसका देखें। और हमने तो ये कह रहे जी ये पूरी आग से जल गया है, और दूसरी बात ये है कि हमने तो अपनी जान का खतरा है जी, कल ना हम बैठेंगे वो आएंगे फिर हमारे को, हम तो अकेले रहते हैं दुकान पे, मार पीट के ना फिर चले जाएंगे प्रशासन पे। दुश्मनी है या क्या है भाई, हमें इस बात के नहीं पता दुश्मनी किसकी है या किसकी नहीं है, हमें इतना पता हम अपनी दुकान पे थे, यहाँ पे आए, उसकी गाड़ी तोड़ी है उन्होंने, हैं और ये तोड़ी है तो हमने हमारे वाले शटर पे भी मारे उन्होंने। ये लोग कौन थे कुछ अंदाजा है? ये जी बड़खल के सुने जी, बड़खल के हैं। ठीक है, हमने अपनी खुद की एड्रेस से सुरक्षा के लिए बनाया हुआ है और हमारा कैमरा तक तोड़ दिया, हमारी जान पे बनी हुई है। मेरा नाम टीटू शर्मा है। टीटू क्या हुआ सर? आप भी जानते हो भीड़ का ना कोई नाम होता ना चेहरा होता। मैं नाम नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं मैं क्या था। सीधा उपद्रव हुआ है, तोड़फोड़ कर रहे हैं, अनावश्यक पत्थर फेंक रहे हैं हमारे ऊपर। अगर हमारे घर में कोई लेडीज खड़ी है, मैंने खुद देखा है, जैसे ऊपर दो बच्चे खड़े हैं, यहाँ से ईंट उठा रहे हैं सीधा उनको ऊपर मार रहे हैं। बाबूजी हैं, मेरे दो छोटे भाई हैं, हम हैं यहाँ पे बैठे हैं अपनी दुकान पे, अपनी रोजनदारी की तरह हम लोग बैठे होते हैं, सीधा हमारे ऊपर पत्थर मार रहे हैं। हमने शटर खींचा है, बगल वाली दुकान में शटर खींचा है, हम लोगों ने शटर बचा के अपनी जान बचाई है। शटर गिरने के बाद भी शटर के अंदर डंडे पीट रहे हैं, शटर के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। आप इस गाड़ी को अंदर से देखो ना सर, 5-5, 7-7 किलो की ईंट है इसमें। आप इस शटर को देखो, ये भी पिचका हुआ है। मैं मेरे शटर को नीचे गिराऊँ आपको उस पर भी सिंबल दिखाई देंगे, पिचका हुआ है। पौने 8 से 8:30 के बीच में जबरदस्त हंगामा हुआ है यहाँ पे, और अगर मैं संख्या की बात करूँ तो मेरे अंदाजे से 150-200 के अराउंड में बच्चे हैं, और ज्यादातर बच्चे 15 साल, 18 साल, 20 साल, इससे बड़ा कोई बच्चा भी नहीं है। क्या कारण मानते हैं इसको? सर दो पक्षों में आपस में विवाद हुआ है, और इसका कोई निजी कारण उनका अगर आपस में हो तो हम कुछ कह नहीं सकते। यहाँ बाहर पत्थरबाजी करने का क्या मोटिव समझते हैं सर? सांप्रदायिक तनाव, अगर आप मुझसे मोटिव पूछते हो तो सांप्रदायिक तनाव, क्योंकि एक छोटे बच्चे को कौन भड़का के यहाँ पे लेके आएगा। सरेआम हो रही है, पिछली बार भी होली पे हुआ है जी, यहाँ पे कैमरे सर कुछ हद तक इसके लिए उन बच्चों की अशिक्षा है, और दूसरा यहाँ पे राजनीतिक तुष्टिकरण होता है। हम सभी लोग या कोई भी आदमी हो एक ही गाँव का नाम लेता है, लेकिन हो सकता है ये चीजें उसके आगे पीछे भी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज सुबह हाईवे 24 पर हुए हादसे ने उस समय हिलाकर रख दिया जब दिल्ली से लखनऊ जा रही मुजफ्फरनगर रोडवेज पर एलपीजी से भरे टैंकर से टकरा गई। यह हादसा इतना भयंकर था कि टैंकर में आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर रोडवेज बस में बैठी 2 दर्जन से ज्यादा सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या घटना है ये जो मुरादाबाद में हुई है? ये आगे गैस का टैंकर चल रहा था, पीछे से रोडवेज वाले ने उसमें टक्कर मार दी, उसके से रोडवेज की सवारियां काफ़ी एक दर्जन के लगभग घायल हो गई। सर रोडवेज कहाँ कौन सी डिपो गई थी? ये UP 77 AN 22-13। कितने लोग घायल हैं सर? एक दर्जन से लगभग ऊपर है। सर किस चीज़ से टक्कर हुई है? ये गैस टैंकर है, गैस टैंकर में पीछे से रोडवेज वाले ने टक्कर मारी। सर लगभग कितने टाइम से ये टाइम का मामला होगा? ये लगभग एक घंटा ये तो पौने 2 घंटे से ऊपर का लगभग हो रहा है। 2 बजे के लगभग? हाँ 2:25-26 का पीरियड का समय। सर 5 बजने को जो जा रहे हैं, लंबा जाम लगा हुआ है, कि व्यवस्था कैसे हो पाएगी? गैस का रिसाव भी है, इसमें ज़रा सा भी हलचल होती है तो आग लगने की संभावना है, इसलिए इस रोड को भी रोका गया है। जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था उसकी नहीं हो जाती गैस टैंकर रोकने की, गैस रिसाव की, तब तक ट्रैफिक छोड़ना खतरे से खाली नहीं। सर घायल कितने लोग हैं इसमें? एक दर्जन से ऊपर।
सब जो लोगों ने बड़ी बहादुरी से आग बुझाई। पूरा मामला क्या था, कैसे? हमारे कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि एक कैप्सूल में जो आग लगी है, तत्काल हमारी गाड़ियां मौके के लिए रवाना किया गया। हमारे अधिकारी और कर्मचारी, मैं भी बोला कि हाईवे का मामला है, तो चार गाड़ियां हमने तत्काल रवाना कराई और भी दो गाड़ियां मंगाई, क्योंकि हाईवे पर बहुत रिस्की हो सकता है। तो एक जाकर के देखा कि काफ़ी लपटें निकल रही थी। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास से, हमारे कर्मचारियों ने बड़ी हिम्मत से और इसको आग को बुझाया, लेकिन आग बुझने के बाद में जो गैस रिसाव लगातार काफ़ी क्वांटिटी में डिस्चार्ज हो रही थी गैस, और चारों तरफ से ट्रैफिक बंद कराया, जो क्योंकि काफ़ी व्यस्त रहता है, और हमारा पुलिस प्रशासन सब यहाँ पर मौके पर मौजूद है। एक जो इंडेन का कैप्सूल है RJ25GA3355, इसमें ये गैस रिसाव था, और सुनने में आया है कि जो एक रोडवेज की गाड़ी है उसमें आपस में टकराव हुआ था और उसकी वजह से इसमें लीकेज हो रहा था। और हमारी जो टीम है, इन्होंने काफ़ी अपनी जान पर खेल करके आग को नियंत्रण किया और टेम्परेरी रूप से जो रिसाव हो रहा था उसको भी बंद कर दिया है, और लगातार संपर्क किया जा रहा है प्रशासन द्वारा भी, जो इंडेन की LPG की जो उनकी जो एजेंसी है कि वो आकर के इसको अपना टेक्निकली चेक करें और इसको यहाँ से मूव करें। ये कितने घंटे की मशक्कत के बाद आप लोगों ने, या कितने समय की मशक्कत के बाद आप लोगों ने? मैं समझता हूँ कि लगभग एक घंटा तो हमको हो गया है, एक डेढ़ घंटे के बीच में हो गया। उस समय आग की स्थिति बहुत, हाँ, काफ़ी विकराल थी, और लोग मतलब ट्रैफिक काफ़ी लोग परेशान थे और ट्रैफिक काफ़ी जाम लगा हुआ था। हमारे उच्च अधिकारी DIG ओब्लिक जो SSP साहब हैं, उनके निर्देशन में हमने काफ़ी हिम्मत से काम किया, जिला प्रशासन के निर्देशन में, और हम शायद सफल हुए इसमें बहुत बड़ा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CMN News। तब तक के लिए नमस्कार।